उनके बच्चे तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जब दिल करेगा हमारे पास आओगे और जब दिल करेगा तो हमसे दूर चले जाओगे। हाँ? और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। जो होगा होगा, जरूर होगा। से निकाह करने जा रहे हो? और ऐसे ऊपर देख के चलती है जैसे कोई दिखता ही नहीं उसे सामने। पता नहीं किससे बात कर रही होगी। एक दिन देख लेना तू, कंडे में गिरेगी, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे ये तो खूबसूरती की अदाएं होती है, तुम नहीं समझोगी। हमें ये सब बेकार की बातें ना समझनी भी नहीं है काले चोर। ठीक है, माना कि वो इतनी भी बुरी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये कि तुम किसी भी काबिले बर्दाश्त सूरत से निकाह कर लोगे? इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं है, खूबसूरती के अलावा और भी कई खासियत हैं अदाया में। जैसे? जैसे उसकी बातें, उसकी नजाकत, उसकी आंखें, और उसकी जंगली बिल्ली। और तुम तो जानती हो नक्चड़ी, मुझे जंगली बिल्लियों का कितना शौक है। तुम्हारी तो कितना जोर का धक्का दिया, बाप रे। हो गई तुम्हारी नौजंग की? हो गई। तुम ना यहाँ पर बैठ के अपने रद्दी शौक पूरे करो, ठीक है? अपनी उस दुल्हन और खाला के साथ जो दहेज में आने वाली है। जा रहे यहाँ से। मुझे जंगली बिल्ली पसंद तो है, लेकिन सिर्फ ये वाली। सुल्ताना की खूबसूरती में तुम इतना खो गए कि अपनी नक्चड़ी को भूल गए। एक बार भी हमारा ख्याल लिया। नक्चड़ी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा साथ और तुम मेरी जिंदगी हो। सुल्ताना अदाया तो क्या कोई भी आ जाए, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। जानता हूं तुमने मुझे देखा कि मैं सुल्ताना को घूर घूर के देख रहा था। लेकिन मैं उन्हें घूर घूर के क्यों देख रहा था? क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई और भी था जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। सुल्ताना को देख के कमीने के होश उड़ गए हैं कि हर बात पे मुझसे आगे निकलना चाहता है। अगर मैं इसके आगे सुल्ताना की थोड़ी सी तारीफ करूंगा तो ये उसने भी मुझे हराने की कोशिश करेगा, और सुल्ताना इससे खुश होकर इससे निकाह कर लेंगी। यानी एक तीर से दो शिकार, सफर और नक्चड़ी का रिश्ता भी खत्म और हमें आत्मसात भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ करने लगा। मेरी देखा देखी सफर भी शुरू हो गया। मुझे लगा कि जफर मेरे खेल में फंस जाएगा, मेरे साथ वही हुआ जो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वालों के साथ होता है। आ कमीने आ, अरे अब चुप क्यों है? जल्दी से कोई ऐसी ओल झुल हरकत कर जिससे सुल्ताना तुझे पसंद कर ले। बेटी की तुम, ये तो चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? मुझे लगा कि वो मेरे जाल में फंस जाएगा, लेकिन मैं अपने जाल में खुद फंस गया। अगर मैं सुल्ताना अदाया को मना कर देता ना, तो वो तभी हमें वहां से चलता कर देती, और अगर ऐसा होता तो बगदाद को बचाने का एक लौता मौका आतिश आफ्ताब हमारे हाथ से निकल जाता नक्चड़ी। मैंने निकाह के लिए भी हाँ इसीलिए कहा ताकि हमें आतिश आफ्ताब मिल सके, बगदाद के लिए, हमारे मुल्क के लिए। नक्चड़ी, तूफान आए एक दिन हो गए, ना जाने हमारे पीछे भी क्या हालात हुए होंगे। सोच के कांप उठता हूं मैं।
मसरूर, तुम हिम्मत और ताकत की मिसाल हो। तुमने ये सब मजबूरी में नहीं, वतन परस्ती में किया। हमें नाज है तुम पर। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, इतना कुछ होने के बाद, चल भुनने के बाद भी तुम मुस्कुरा रही, इसलिए तुम्हारे होने वाले मंगेतर के अंदाज में कुछ लव्स कहना चाहती हूं। बहतरी वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो 3 दिनों के मेहमान हैं आप, फिर तो आप पराए हो जाएंगे काली चोर। हमारे पास तो 3 दिन है, लेकिन बगदाद के मासूम लोगों के पास, उनके लिए हर गुजरता लम्हा तबाही की ओर ले जा रहा है। ठीक कह रहे हो काले चोर, हमें कुछ भी करके उस सुल्ताना अदा को खुश रखना होगा। हम मौका मिलते ही आतिश आफ्ताबी के यहां से निकलना होगा। हम ये सब कैसे करेंगे? हम इस रह में है, लेकिन फिर भी हर पल हमें बगदाद की फिक्र सता रही है। हाँ ना चड़ी, रिश्ता ही ऐसा है, माँ और मुल्क फासले पर होकर भी दूर नहीं होते। ऊपर वाला हमारा साथ दे, ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब लेकर बगदाद पहुंच जाए अपने लोगों की मदद करने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खाला है। आप यहां क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती मैं आ जाता। आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? कर दिया। कुछ बातें बंद दरवाजे के पीछे की जाती है। लेकिन मैं उस तरह की बातें करता ही नहीं। हम सिखा देंगे। उफ ये जुल्फे, खाला की बच्ची शिकायती बिल्ली, चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहे, समझी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.